डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है वो है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का, एमएससी पार्ट टू, एमएससी मैथ पार्ट टू। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और जो टॉपिक है हमारा आज का वो है मिनकोस्की डायग्राम। मिनकोस्की डायग्राम, हम कहेंगे नल कोण स्ट्रक्चर, नल कोण स्ट्रक्चर। मिनकोस्की डायग्राम नल कोण स्ट्रक्चर। सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे, देखेंगे कि व्हाट इज मिनकोस्की डायग्राम, क्या है या नल कोण स्ट्रक्चर है क्या। देखें, पिछले लेक्चर में हमने थ्री टाइप्स ऑफ फोर वेक्टर्स की बात की थी, जिसमें आपको याद होगा डी एस स्क्वायर ग्रेटर देन ज़ीरो, डी एस स्क्वायर लेस देन ज़ीरो और डी एस स्क्वायर इज इक्वल टू ज़ीरो। थ्री टाइप्स ऑफ हमने फोर वेक्टर्स की बात की थी। तो ये जो थ्री टाइप्स ऑफ फोर वेक्टर्स हैं, इनको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं टुगेदर ग्राफिकली, ठीक है, ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को फोर वेक्टर्स के इन स्पेस टाइम कॉन्टीनम इज कॉल्ड, उसको हम कहते हैं नल कोण स्ट्रक्चर या लाइट कोण स्ट्रक्चर, या फिर हम इसे कहते हैं मिनकोस्की डायग्राम। यानी टू रिप्रेजेंट थ्री टाइप्स ऑफ फोर वेक्टर्स, ऑल थ्री टाइप्स ऑफ थ्री टाइप्स ऑफ वेक्टर्स ग्राफिकली। रिप्रेजेंट करना रहता है, लाइट कोण स्ट्रक्चर भी कहते हैं हम इसको। लाइट कोण क्या कहते हैं, क्यों कहते हैं, आगे चल के हम इस पर बात करेंगे। लाइट कोण स्ट्रक्चर, नल कोण स्ट्रक्चर या मिनकोस्की डायग्राम हम इसको कहते हैं, ठीक है। पहले हम इसमें दो हिस्से या दो पार्ट्स में बात करेंगे। एक हम बात करेंगे टू डायमेंशन, और ये एक और बात इसमें कि इनको रिप्रेजेंट किया जाता है इन स्पेस टाइम कॉन्टीनम, इन स्पेस टाइम कॉन्टीनम, स्पेस टाइम कॉन्टीनम। स्पेस टाइम कॉन्टीनम क्या है, हमें पता है कि जब भी हम रिलेटिविटी में जो है एक तो दो एक स्पेशल कोऑर्डिनेट हैं। स्पेशल कोऑर्डिनेट कौन से हैं, जो डिस्टेंस कोऑर्डिनेट हैं एक्स वाई जी, और तीसरा जो है वो है टेम्पोरल कोऑर्डिनेट। टेम्पोरल मतलब जो टाइम या इम्प्रॉपर टाइम के लिहाज से जो हम टाइम का कोऑर्डिनेट है, और हम क्या लेते हैं इम्प्रॉपर टाइम जो कि प्रॉपर टाइम से अलग होता है। तो उस उन किसी भी इवेंट को उन कोऑर्डिनेट्स में रिप्रेजेंट करना, हम क्या उसे क्या कहते हैं, उस कोऑर्डिनेट सिस्टम को हम क्या कहते हैं, स्पेस टाइम कॉन्टीनम कहते हैं, ठीक है। सिंपल सी बात, तीन कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो स्पेशल कोऑर्डिनेट्स, स्पेशल ठीक है, और तीसरा क्या है वो टेम्पोरल, और मतलब इम्प्रॉपर टाइम के लिए या टाइम कह लें इम्प्रॉपर टाइम के लिए। और ये आपके पास पता है डिस्टेंस कोऑर्डिनेट हैं एक्स वाई जी। तो किसी इवेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए जो स्पेस यूज़ करते हैं, अगर हम थ्री डिमेंशन बात करें तो स्पेस की बात करेंगे, क्योंकि साथ टाइम भी है, तो स्पेस टाइम हम उसे क्या कहते हैं, कॉन्टीनम कहते हैं, ठीक है। तो स्पेस टाइम कॉन्टीनम में रिलेटिविटी को समझने के लिए सबसे ज़रूरी जो है वो स्पेस टाइम कॉन्टीनम को समझना है। वो क्या है कि
स्पेशियल कोऑर्डिनेट प्लस टेम्पोरल कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। स्पेशियल में एक्स वाई जेड डिस्टेंस कोऑर्डिनेट्स, और टेम्पोरल कोऑर्डिनेट मतलब टाइम, इम्प्रॉपर टाइम, वो टाइम जो कि प्रॉपर टाइम से अलग करता है इम्प्रॉपर टाइम किसी इवेंट का, उसमें रिप्रेजेंट करते हैं, उसे कहते हैं स्पेस टाइम कॉन्टिन्यू। अच्छा, अगर इस फॉर्म में किसी इवेंट को रिप्रेजेंट करें, हम कहेंगे उसने स्पेस टाइम कॉन्टिन्यूम में हमने उसको रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। अब हम बात करेंगे टू डिमेंशनल, दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे, टू डिमेंशनल, दूसरा थ्री डिमेंशनल। टू डिमेंशनल स्पेस टाइम डायग्राम, टू डिमेंशनल स्पेस टाइम डायग्राम, टू डिमेंशन में अब कंसिडर करें कि हमने विजुलाइज करना है, टू विजुलाइज द कोन को कंसिडर्ड अ टू डिमेंशनल स्पेस, हम क्या करते हैं कंसिडर करते हैं टू डिमेंशनल, जिसमें हम दो डिमेंशन लेंगे, हॉरिजेंटल जो लाइन लेंगे उसे हम एज अ एक्स एक्सिस लेंगे, और जो वर्टिकल लाइन होगी उसको हम सी टी एक्सिस या टी एक्सिस कंसिडर करेंगे। मीन्स के टू डिमेंशन की हम बात कर रहे हैं डिमेंशंस की, तो हॉरिजेंटल को हम एक्स एक्सिस कह देंगे, लेट हॉरिजेंटल लाइन रिप्रेजेंट्स एक्स एक्सिस, एंड जो वर्टिकल लाइन है दैट रिप्रेजेंट्स, है तो ये वाई एक्सिस, लेकिन हम इसे क्या कहेंगे, ये सी टी एक्सिस या हम इसको टी एक्सिस। आपको पता है हम पीछे जो सी टी को किससे रिप्रेजेंट करते रहे हैं, कैपिटल टी से, तो सी टी एक्सिस या टी एक्सिस, ये टू डिमेंशन हमारे पास हो गए स्पेस, ठीक है। अब क्या करेंगे कि हम जो सेंटर है, रिज्यूम इट सेंटर ऑफ सेंटर इज ओ, और यहाँ पे एक लाइट सोर्स है सेंटर ओ पे, लाइट सोर्स से जो लाइट पल्स है यहाँ से वो प्रोड्यूस करता है, और जैसे ही लाइट पल्स प्रोड्यूस होती है तो वो थ्री डिमेंशन स्पेस में एक्सपेंड करेगी, सब डायरेक्शन पता है कि लाइट है, लाइट जब एक्सपेंड करती है वो थ्री डिमेंशन में स्पेस में जो है वो एक्सपेंड करेगी, थ्री डिमेंशन में मूव करेगी। ओ पे अगर लाइट पल्स है, यहाँ से जो लाइट पल्स है, लाइट सोर्स है, लाइट पल्स जो है वो थ्री डिमेंशन में मूव करेगी, लेकिन हमने यहाँ टू डिमेंशन फ़र्ज़ किया है, फॉर सिंप्लिसिटी हम टू डिमेंशन कंसिडर करेंगे, और हम फ़र्ज़ करेंगे जो लाइट है वो ट्रैवल करती है सिंगल डायमेंशन, फ़र्ज़ कर लें करेगी तो तीन डिमेंशन में, लेकिन यहाँ फ़र्ज़ करेंगे हम कि ये अलॉन्ग एक्स एक्सिस इसकी मोशन को ऑब्जर्व करेंगे लाइट की, या जो स्पीड ऑफ लाइट से जो पल्स मूव करेगी उसकी मोशन को अलॉन्ग एक्स एक्सिस हम ऑब्जर्व करेंगे, तो फॉर सिंप्लिसिटी ऑब्जर्व लाइट पल्स अलॉन्ग एक्स एक्सिस या लॉन्ग हॉरिजेंटल, अलॉन्ग हॉरिजेंटल है तो ये वन डायमेंशनल है, यानी हम वन डायमेंशनल ऑब्जर्वेशन लेते हैं हम सिर्फ अलॉन्ग एक्स एक्सिस। अब देखिए, लेट्स से आफ्टर टाइम टी तो लाइट जो है पल्स वो ट्रैवल करेगी विद स्पीड सी, और आफ्टर टाइम टी इट विल ट्रैवल अ डिस्टेंस एक्स इज इक्वल टू सी टी। लेट्स से जो पल्स है, जो लाइट वेव है, वो ट्रैवल करके यहाँ पहुँचती है इस पॉइंट पे, जिसके लिए एक्स इज इक्वल टू क्या है सी टी, क्योंकि टी टाइम के बाद वो कहाँ पे पहुँचेगी सी टी। सिमिलरली ये एक्सेस तो है ही सी टी, सी टी तो यहाँ पे भी टी टाइम के लिए, लेट्स से सी टी, ये वैल्यू सी टी तो इस पॉइंट पे होगी, यहाँ समझाए ना बात की कि ये तो है ही सी टी, तो लेट्स से ये। अब देखें ये वाई एक्सेस, अगर ये सी टी है तो हम जो सी टी एक्सेस है या वाई एक्सेस है, ये हमारे पास जो होगा ये भी क्या होगा सी टी होगा, ठीक है। अगर हम यहाँ पे इसको मिलाएं, ये सी टी तो देखें टेन थीटा जो होता है वो होता है वाई ओवर एक्स, टेन थीटा जो है
यहाँ से देखें, लेट्स से दिस एंगल इज थीटा, वो होता है वाई ओवर एक्स। अब देखें तो सी टी हमारा वाई एक्सेस है और ओवर एक्स, या एक्स इज इक्वल टू भी क्या है सी टी, तो इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, वन आ जाएगा। और ये क्या है, टेंजेंट थीटा। आपको पता है कि जो वर्टिकल ओवर हॉरिजेंटल जो है इक्वल्स टेन थीटा, तो टेन थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, वन। इट इम्प्लाइज थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स वन, और टेन इनवर्स वन कितना होगा, 45 डिग्री। सो थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, 45 डिग्री, ठीक है। इसी तरह अगर हम ये बात करें कि इसको, इस पॉइंट को हम कह देते हैं, ये पॉइंट क्या है, बी। सिमिलरली अगर सी टी, जाहिर है इस डायरेक्शन में भी लें तो यहाँ सी टी होगा, ठीक है, सी टी, तो ये एंगल कितना होगा, 45, तो ये भी सी टी और ये भी क्या होगा, सी टी। अब देखें ये एंगल 45, तो ये जो है हमारे पास x इज इक्वल टू सी टी। सिमिलरली इस डायरेक्शन में लें तो ये भी x इज इक्वल टू सी टी, जहाँ इस डायरेक्शन में वो मूव कर रहा है। तो सिमिलरली ये हमारे पास एक लाइन मिलेगी, ठीक है, और ये लाइन, ये भी एंगल 45 होगा, ये भी एंगल क्या होगा, 45 होगा। ये लाइन, इसको हम कह देते हैं बी, ये ओ, ये ए, ठीक है, ए ओ बी, इसे कह देते हैं सी ओ डी। हमारे पास दो लाइंस जो हैं वो हमें यहाँ पे हासिल होती हैं, टू लाइंस। कौन सी लाइंस हैं, एक है ए ओ बी, लाइन ए ओ बी, और दूसरी लाइन है हमारे पास सी ओ डी, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, इस पॉइंट से पीछे जो होगा x की वैल्यू क्या होगी, लेस देन सी टी, और इस पॉइंट से आगे x की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन सी टी, ठीक है ना, x लेस देन सी टी। सिमिलरली अगर हम ये बात करें कि इस पॉइंट से आगे जो होगा वो ग्रेटर देन सी टी, इस पॉइंट से क्या होगा, लेस देन सी टी। अब देखें, चलिए सेक्टर की बात बाद में करते हैं, ठीक है। अब ये दो लाइन जो हैं ए ओ बी एंड सी ओ डी, इनको हम क्या कहते हैं, वर्ड लाइंस, इनको क्या कहते हैं, वर्ड लाइंस, वर्ड लाइंस। वर्ड लाइंस क्या है, एनी लाइन, कोई भी जो लाइन है वो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में हम लेते हैं, यानी कर्व इन स्पेशल रिलेटिविटी इज कॉल्ड अ वर्ड लाइन। कोई भी लाइन जो है, एनी कर्व इन स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, इन स्पेशल रिलेटिविटी, स्पेशल रिलेटिविटी में कोई भी कर्व जो होगा उसको हम क्या कहते हैं, वर्ड लाइन कहते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे दो वर्ड लाइन्स हैं, इज कॉल्ड, ठीक है, या इसे हम क्या कहते हैं, वर्ड लाइन। दो लाइंस हैं वर्ड लाइंस, एक ए ओ बी है, दूसरा हमारे पास क्या है, सी ओ डी। देखें इस तरफ जो है सी टी की डायरेक्शन को अगर पॉजिटिव हम क्या लेते हैं कि ये फ्यूचर की तरफ है, और ये जो डायरेक्शन है ये किस तरफ है, टुवर्ड्स पास्ट, ये फ्यूचर डायरेक्टेड, और ये पास्ट डायरेक्टेड, यानी पास्ट की तरफ, और ये फ्यूचर डायरेक्टेड, ठीक है। इस तरफ जाएंगे फ्यूचर डायरेक्टेड, इस तरफ आएंगे ये क्या है, पास्ट, पास्ट डायरेक्टेड। अब वर्ड लाइन ए ओ बी रिप्रेजेंट्स जो है, कोई भी पार्टिकल है जो उसकी जो मूव करता है वर्ड लाइन के ऊपर, और वो किस लाइन स्पीड से मूव करेगा, स्पीड ऑफ लाइट से। जाहिर है देखें, जो भी पार्टिकल, हमने यहाँ पे क्या जिक्र किया कि एक लाइट पल्स है,
तो जो भी पार्टिकल होगा अगर वो स्पीड ऑफ लाइट से मूव करेगा वो उस लाइन के ऊपर होगा। कौन सी लाइन? लाइन ए ओ बी पे हो या लाइन सी ओ डी पे हो, तो जो कोई पार्टिकल जो है किस सी स्पीड ऑफ लाइट से क्या कर रहा होगा, मूव कर रहा होगा स्पीड ऑफ लाइट से। ठीक है, हम क्यों हमने फर्ज किया है कि एक्स इज इक्वल टू सी टी, यानी वो सी स्पीड से मूव कर रहा है अलोंग दिस लाइन। इसका मतलब ये है कि सी टी एक्सेस के साथ ये 45 है, ये एंगल 45 होगा, तो कोई भी पार्टिकल जो है जो सी स्पीड से मूव कर रहा है स्पीड ऑफ लाइट से, वो सी टी एक्सेस के साथ या हॉरिजॉन्टल एक्सेस के साथ कितना एंगल बना रहा होगा? 45 एंगल बना रहा होगा। अब हम बात करते हैं लेस देन 45 और ग्रेटर देन 45 की। ठीक है, अब देखें कोई भी मटेरियल पार्टिकल जो है, एवरी मटेरियल पार्टिकल, उसकी स्पीड स्पीड ऑफ लाइट से क्या होती है? कम होती है, यानी वी जो है वो ऑलवेज लेस देन सी। वी जो है हमेशा लेस देन क्या होता है? सी होता है, वो ग्रेटर देन सी नहीं हो सकता। अगर हम दोनों तरफ टी से मल्टीप्लाई कर दें तो वी टी लेस देन होगा सी टी। ठीक है, इसका मतलब जब वी टी अगर लेस देन है सी टी, यहाँ से देखें कि वी टी लेस देन सी टी है, तो थीटा हमारे पास क्या होगा? थीटा भी लेस देन क्या होगा? 45 डी। ठीक है, यानी यहाँ से देखें कि सी टी जो है, इसके लिए अगर हम लें कि वी टी जो होता है सी जो है, यहाँ वी सी की जगह वी यूज़ करें, तो वो लेस देन क्या होता है? सी से वी लेस देन सी है। अगर हम सी टी को पुट करें लेस देन वी टी को, सी टी से लेस देन पुट करेंगे तो थीटा क्या होगा? लेस देन 45। इसका मतलब क्या है कि यहाँ से देखें कि जो भी पार्टिकल जो है वो इस लाइन के वर्ड लाइन के अंदर होगा, या कौन सा सेक्टर? सेक्टर दो सेक्टर्स हैं यहाँ पे देखें, सेक्टर ओ बी ये वर्ड और डी, इसके अंदर अंदर होगा तो स्पीड ऑफ लाइट से मूव नहीं करेगा। उसकी स्पीड क्या होगी? यानी जिनके लिए एंगल लेस देन 45 होगा, लेस देन 45 क्या होगा? इस लाइन के अंदर, चाहे वो इधर भी लेस देन ये। ठीक है, यानी सेक्टर हमारे पास क्या है? ओ ओ बी डी या बी ओ डी सेक्टर एक है ये, तो वो बी ओ डी सेक्टर के अंदर अंदर बस यहाँ से इस तरफ मूव कर रहा है, 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 तो वो पार्टिकल की स्पीड क्या होगी? स्पीड से कम होगी। और जो एंगल 45 बनाएगा उस लाइन के लॉन्ग मूव करेगा तो वो स्पीड ऑफ लाइट से मूव करेगा। तो कौन सा सेक्टर? बी ओ डी और सेक्टर ए ओ सी, ये दो सेक्टर्स हैं। इनके अंदर जो पार्टिकल्स होंगे, मोशन होगी इनके अंदर पार्टिकल्स की, वो क्या होगी? वो थीटा लेस देन वो मटेरियल पार्टिकल की होगी। लाइन के ऊपर जो होगी बर्ड लाइन के ऊपर, वो स्पीड ऑफ लाइट या लाइट पल्स की होगी। और जो ग्रेटर देन 45 होगा, जिन पार्टिकल्स के लिए मोशन जो है वो ग्रेटर देन 45 होगा, तो वो कौन से हैं? जो इन सेक्टर्स से बाहर होंगे, वो ये इन सेक्टर्स से, दोनों से